उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत विकास भवन के सभागार में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने बताया कि पूरे प्रदेश में महीने के प्रथम व तृतीय बुधवार को जाकर महिला की समस्याओं का जनसुनवाई करके समाधान करते हैं और प्रयास रहता है कि सभी समस्याओं का शत प्रतिशत निस्तारण किया जा सके, जिसको देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और जानकारी की गई है कि शासन की योजनाओं का कितने लोगों को लाभ मिल रहा है और योजनाएं कहां नहीं पहुंच पा रही हैं, पूरी जानकारी ली गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि जिला और ब्लॉक और गांव स्तर तक शासन योजना पहुंचे, जिसके लिए गाँव में भी कैंप लगाकर लोगों को योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय, SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे, कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय, महिला थाना प्रभारी प्रभास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा, नमस्कार मैम, मैं SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, आप सभी को नमस्कार। मैं निर्मला द्विवेदी, राज्य महिला आयोग महिलाओं की समस्या के समाधान हेतु आयोग की तरफ से हर महीने के हर प्रथम बुधवार और तृतीय बुधवार को हम सब हर जिले में, यूपी के सभी जिलों में आयोग की तरफ से भेजे जाते हैं और महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए आप सबके सामने उपस्थित होते हैं और ये प्रयास करते हैं कि सरकार की सभी योजनाएं जो सरकार द्वारा हर जिले में चलाई जा रही हैं उनके कार्यों की समीक्षा हो, वो लाभार्थियों तक कितनी पहुंच पा रही हैं और हमारे सुरक्षा के जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग के पास जनता की कितनी शिकायत जा रही है, नहीं है तो हम सबका प्रयास होता है, इतना अच्छा रिस्पांस दे रही है, जनता का विश्वास जीतने में सफल है। लेकिन हम दोबारा सरकार, जनता ने अगर विश्वास दिया है तो आप सबकी जिम्मेदारी, आप जो और हम सब भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हमें पता है कि जनता तक सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाएं पहुंचे, वो लाभान्वित हो। उपेक्षा बैठक रखी गई है और महिला जन सुनवाई रखी गई है, उस सब में हम सभी प्रयास करेंगे कि एक बार अपने कार्य की जनता पाता है। हम सब ने धरती का जल ग्रहण किया है, हम सब भी भारत माता का ऋण है, हम सभी भारत माता के बच्चे हैं और हम सब का यही प्रयास है, चाहे जो जिस कुर्सी पे बैठा हो, जिसके जो बच्चे हैं उनका जो अधिकार है और हमारे जो कर्तव्य है उसे हम जितना उनके लिए ज्यादा से ज्यादा करके उन्हें सुखी करके अपने भारत को पूरे विश्व में सबसे आगे ले जा करके विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सफल हो गए हैं। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझदार हैं। आप देखिए कि कुछ वर्षों पहले हमारे देश की क्या हालत थी और आज हम कितना आगे हैं, कितना सफल हैं। दूसरे देश भी आज हमारे देश के सामने और अपने सभी अधिकारियों को भी कि वो सबने पूरी ईमानदारी से कार्य किया। अभी भी हम कोरोना से बाहर नहीं हैं, इसलिए हम उन नियमों का पालन करके और सारी परिस्थितियों को समझते हुए अपने कार्यों की रक्षा करें, हम सबका यही प्रयास है। इसमें हम सभी अधिकारी जैसे कि डी साहब अभी संचालन कर रहे हैं और वो शुरुआत करेंगे, तो हम एक तरफ से शुरू करें और अब सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करें कि सरकार की कौन सी योजना किस अधिकारी के पास है और उसमें वो कितना कर चुके हैं, कितना जनता को लाभ दिला चुके हैं, इसी की एक समीक्षा बैठक होनी है। इसके बारे में हम चाहेंगे कि दीपक साहब शुरुआत करिए, आप जिसको भी आपकी तरफ से शुरू किया जाए वो अपना परिचय देते हुए अपने कार्यों को बताए कि उस सरकार की योजनाएं वो कैसे चला रहा है, उसमें वो गोरखपुर किस स्थान पर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 240 वेंटिलेटर है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 102 वेंटिलेटर है, HFMC जो है 95 हमारी जगह गवर्नमेंट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर में 160 है और बाईपैक जो है 227 जो है गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट में 232 है। इसी प्रकार जो है हमारे पास अगर कोविड की ICU की बेड की बात करते हैं तो 88 बेड जो है हमारे पास टोटल है और
इसके बाद जो है संचारी रोग आता है। संचारी रोग में आजकल जैसा कि गोरखपुर जनपद जो है तराई इलाके में आता है, यहाँ पर संचारी रोग। लेकिन आपको एक चीज बताती हूँ, मुझे खुशी हो रही है जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि उन्होंने इस पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा था और इसके तहत उन्होंने जो है एक संचारी रोग अभियान का प्रारंभ किया, जो प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग जो है 3-3 माह पर चलाते हैं और दूसरा संचारी रोग माह हमारा चल रहा है। और उसी का परिणाम हुआ है कि जहाँ पर संचारी रोग में AES और JEE के मरीजों की संख्या 3 अंकों में हुआ करती थी, अब वो सिमट करके 2 अंकों में हो गई है। फिर इसके क्रम में जो है हमारा टारगेट की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारा जो है गोरखपुर जनपद में इसका प्रतिशत काफी अच्छा है। मैम, अगर हम पंजीकृत महिलाओं के सापेक्ष प्रथम त्रैमास में गर्भवती माताओं की संख्या करते हैं, 92.43% होता है। और पंजीकृत महिलाओं के सापेक्ष माह में चिन्हित किए गए उच्च जोखिम वाली महिलाएं जिनको रक्तालुता हम टीकाकरण का आता है, वो संख्या हमारी जो होती है 92% के ऊपर है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रदेश में हम लोग जो है इन सब कार्यों में लीड है। अब ये जितने भी हमारे लाभार्थी है जिनका सबका आधार कार्ड से लिंक कराया जा रहा है वर्तमान में, मतलब जो भी लाभार्थी है एक्चुअल लाभार्थी हम चिन्हित, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हम लोगों ने 18,000 बच्चों को चिन्हित किया है जो अति कुपोषित की श्रेणी में। इन बच्चों को पुष्ट बनाती है, बेचैनी में ले आती है, उनका टीकाकरण करवाती है। ऐसी गांव से महिलाओं को आप क्या सुविधा देते हैं उस बारे में चर्चा करनी है। उनकी ज्यादा शिकायत है कि उनके पास तक गाड़ियां पहुंचती ही नहीं है और वो किसी भी तरह से बड़ी मुश्किल में अस्पताल तक आती हैं, जहां अस्पताल रिकॉर्ड ले जाते हैं, वहां ऑपरेशन कराते हैं, वहां अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उनको घूस दे करके और दलाली करके वहाँ तमाम मतलब बहुत ही। हम लोग हर महीने में पूरे UP में महीने के प्रथम बुधवार को और तृतीय बुधवार को हर ज़िले में जाकर के जनता महिलाओं की जन सुनवाई करते हैं और हमारा ये प्रयास होता है कि महिलाओं की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हम कर सकें, उसका मौके पर ही निस्तारण कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, महिलाओं को कहीं और जाना ना पड़े। और उससे संबंधित सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं उस पर महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है, वो कितनी लाभान्वित हो रही हैं, सरकार की योजनाएं उन तक कितनी पहुंच पा रही हैं और कहां नहीं पहुंच पा रही हैं, इसके बारे में समीक्षा बैठक करते हैं। गोरखपुर का इन योजनाओं में इन अधिकारियों के माध्यम से हम किस स्थान पे हैं इसकी भी हम जानकारी लेते हैं, कहां कमी है उसको भरने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ सुखी हों, संतुष्ट हों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, बैठी हुई महिला की हम सहायता कर सकें, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकें। और हमारा प्रयास होता है, अब इस समय हम सबका प्रयास है कि हम हर ब्लॉक तक, हर गांव तक जा करके क्या कहते हैं जनता की को सरकार की योजनाओं का लाभ दे सकें, उन्हें लाभान्वित कर सकें, उन्हें सुखी कर सकें, ताकि एक राम राज्य की स्थापना माननीय मोदी जी और योगी जी लगातार प्रयास में हैं कि वो कर रहे हैं, तो हम सब भी अपनी तरफ से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करके अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।